नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश। ट्रेन का बजट यानी रेल बजट करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए के दावे किए गए, पर ट्रेनों के रास्ते में आने वाले स्पीड ब्रेकर का इलाज कैसे होगा, इस पर रेल अधिकारियों सहित रेल मंत्री तक ने कुछ नहीं कहा है। आज बताऊंगा आपको कि क्यों कई ट्रैक पे जो ट्रेन चलती हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं हो पाती, क्योंकि रेलवे ने ही बना रखे हैं स्पीड ब्रेकर। चौकी है नहीं, रेलवे में भी ऐसा एक प्रावधान है जिसको कहा जाता है PSR या TSR। आज खुलासा करूंगा, परत दर परत खोलूंगा ट्रेनों की हाई स्पीड में बनते रोड़ा स्पीड ब्रेकर, जिस पर रेलवे ने साध रखी है चुप्पी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहें छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। आप हाईवे में गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं, एकदम से आ जाएगा स्पीड ब्रेकर तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, स्पीड कम करेंगे। और यदि मान लीजिए हर 5 किलोमीटर में आपको स्पीड ब्रेकर मिले तो आपकी गाड़ी स्पीड में चल पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। आप भले ही उसको 100, 90, 110, 120 ले जाए, लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर आएगा आपको रोकना पड़ेगा, फिर गाड़ी कूदेगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आपका समय खराब होगा और एवरेज स्पीड यानी औसत स्पीड कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार रेलवे में भी स्पीड ब्रेकर सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं ट्रेनों की हाई स्पीड के लिए। आपने सुना होगा कि रेलवे कहता है कि हमारा ट्रैक 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से फिट है, CRS ने मंजूरी दी है। पर हकीकत उस मंजूरी की कुछ और है। आमूमन जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी किसी नए ट्रैक को परमिशन देते हैं तो उसमें 50 शर्तें लगा देते हैं, कहीं 30, कहीं 20, कहीं 50, जैसा भी हो। ये जो शर्तें होती हैं इन्हीं में छुपे होते हैं स्पीड ब्रेकर। रेलवे की भाषा में मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है स्पीड रेस्ट्रिक्शन। कुछ होते हैं TSR यानी टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन और कुछ होते हैं PSR यानी परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। आपको मैं उदाहरण देता हूं, रानी कमलापति से इटारसी तक थर्ड लाइन बनी नई, दावा किया गया 110 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए यह फिट है, CRS ने मंजूरी दी। पर आपको हकीकत बताता हूं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मंजूरी में जो नीचे 30-40 शर्तें लिखी हैं, उन शर्तों का जब पालन हो जाएगा तभी आप उस ट्रैक में 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन चला पाएंगे। अभी तो 130 किलोमीटर और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बात होती है, पर रेलवे के ट्रैक में जब कोई कमी आ जाए या कोई गड़बड़ी आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग, रेलवे की भाषा में इंजीनियरिंग ब्रांच कहते हैं, वह वहां पे लगा देता है स्पीड रेस्ट्रिक्शन कि मेरा ट्रैक अभी ठीक नहीं है, किन्हीं कारणों से यहां समस्या है, अतः ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना हो। आमूमन TSR लगते हैं, टेम्परेरी स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जब कोई छोटी मोटी वजह होती है उसको सुधारने के लिए इंजीनियरिंग को समय नहीं मिल पाता तो कहता है इस सेक्शन पे आप इतना चलाएंगे। कोई भी लोको पायलट जब इंजन में चढ़ता है ट्रेन में और अपना इंजन स्टार्ट करता है लोको, तो उसको वहां पे एक मेमो दिया जाता है, साथ में एक लिस्ट दी जाती है जहां लिखा होता है TSR और PSR। TSR तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेरी समस्या है, मौसम या किसी भी कारणों से आ सकती है, परंतु PSR एक बड़ी समस्या है जिसे कहते हैं परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रानी कमलापति से इटारसी के बीच बनी तीसरी लाइन की। इसमें कई जगह 40 से ज्यादा जगह PSR और TSR लगे हुए हैं, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, यानी इस ट्रैक पे ट्रेन की औसत स्पीड 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। रेलवे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस ट्रैक में बेहद तकनीकी कमियां हैं, जिनमें अहम है
काली मिट्टी का उपयोग? मैंने यही सवाल रेलवे के अधिकारियों से किया, वर्तमान डीआरएम और तत्कालीन डीआरएम से भी बात की, लेकिन किसी ने इस पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि आखिर नए बने ट्रैक में काली मिट्टी का उपयोग कैसे हो गया जो नियमानुसार नहीं होना था। दूसरा इशू है ग्रेडियंट का, यानी मोड़ कितना है, ढलान कितनी है, क्या वो तय सीमा के तहत है या नहीं। पर कई जगह यह लिखा है रेलवे के आधिकारिक दस्तावेज में कि काली मिट्टी, ग्रेडियंट, इन कारणों की वजह से वहां पे परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही ट्रेन चलाने की इजाजत है। और यह मामला अकेले भोपाल रेल मंडल का नहीं है, लगभग संपूर्ण रेलवे में जो नए ट्रैक बन रहे हैं उनमें पीएसआर और टीएसआर बहुत मामूली बात है। सवाल उठता है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने किन आधार पे उस ट्रैक को 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी, जबकि उसमें कई प्रकार की तकनीकी खामियां थी। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि रेल मंत्रालय ने 15,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के लिए बताया और भी कई जगह के लिए बताया, अलग अलग प्रदेशों का, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर उस पैसों का उपयोग कहां और कैसे होगा। मैं इसलिए भी ये जानना चाहता था क्या ये जो परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिनको रेलवे की भाषा में पीएसआर कहते हैं और आम आदमी की भाषा में मैं कहूं तो स्पीड ब्रेकर, गाड़ी स्लो कर दो भाई आगे दिक्कत है, इसको हटाने के लिए कोई ठोस काम की प्लानिंग की गई है या नहीं, क्या इसके लिए कोई विशेष बजट मिला है या नहीं। मेरी जानकारी अनुसार रेलवे ने नई बिल्डिंग के लिए तो पैसा दे दिया स्टेशन की, लेकिन ट्रैक पे पीएसआर और पीएसआर की समस्या के लिए शायद बहुत ज्यादा बजट नहीं मिल पाया है। और मैं बता दूं, रेलवे में जो दिख रहा है हकीकत में वैसा नहीं है, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रेन चलाने वालों को। लोको पायलट से पूछिए उसकी सिरदर्दी, ऊपर से प्रेशर है कि जल्दी पहुंचो, समय से पहुंचो, साथ में एक कागज है जिसपे लिखा है कि फला फला किलोमीटर पे, जो रेलवे की भाषा में पोल होते हैं उन पे किलोमीटर लिखा रहता है, इस किलोमीटर से अगले किलोमीटर तक स्पीड आपको 30 से ज्यादा नहीं करनी। वहीं सिग्नलिंग की भी एक टेंशन हो गई है, पहले सिग्नल कुछ दूरी में थे, अब पास पास लगा दिए गए हैं, ऐसे में रेल हादसे ना हो तो क्या करें। वहीं ऑपरेटिंग पे दबाव है कि पंक्चुअलिटी दिखाना है 90% 80% के ऊपर। इंजीनियरिंग पे दबाव है कि ट्रैक को बिना बंद किए गाड़ी चलानी है, क्या करो भाई, जब आपने नया बनाया था तब क्यों नहीं ध्यान दिया था, ये सवाल कोई नहीं पूछता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हर बारिश में हर शहर में गड्ढे वाली सड़क दिखती है, नेता मंत्री अफसर यही कहते हैं इनको सुधारा जाएगा, पर कोई ये नहीं कहता कि ये जिसने बनाए थे उसने तय मानकों के अनुसार क्यों नहीं बनाए, इसकी जांच कोई नहीं करता। ऐसे ही रेलवे पीएसआर की जांच क्यों नहीं करवाता कि आरवीएनएल द्वारा बनाए गए इस ट्रैक में जो परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वह कब हटेंगे, और उनके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो गलत काम हुआ है, तय मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है, उन पर क्या कार्रवाई होगी। आज मैंने बताने का प्रयास किया कि रेलवे के हाई स्पीड के दावे लगभग उतने ही हवा हवाई हैं जितने की मुरारी लाल के सपने, क्योंकि इनके जो नए ट्रैक हैं उनमें हाई स्पीड में ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, कई जगह टीएसआर की समस्या है और कई जगह पीएसआर की समस्या है। मैं आशा करता हूं मैंने आपको टीएसआर और पीएसआर बताने का प्रयास किया और आप समझे भी होंगे। अगली बार जब आप रेलवे के किसी अधिकारी से मिले तो उनसे पूछिएगा कि भाई साहब आप लोग इंजीनियर हैं, परीक्षा पास करके आते हैं नेशनल लेवल की, तो क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि नया ट्रैक बनाते समय काली मिट्टी नहीं डालनी है, ग्रेडियंट तय मानक अनुसार होना है, जो मोड़ है वो प्रॉपर होने चाहिए, कि आपको सिर्फ जल्दी है तो बजट खपाने की, क्योंकि इस साल यदि आपको 500 करोड़ मिला है किसी तरह खर्च कर दो। पर एक चीज बता दूं, इस काम में चोरी होती है और इस चोरी में ठेकेदार को लाभ होता है, और अधिकारी के नाक के नीचे ये काम होते हैं,
तो ऐसा हो नहीं सकता कि संबंधित अधिकारी को यह जानकारी ना हो, और यदि उसको जानकारी थी तो उसने उसको रोका क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं ठेकेदार को जो एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ उसमें इस अधिकारी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिला हो? सवाल है, मैं तो पूछता हूं और शायद इसीलिए बुरा हो जाता हूं, पर मैं पूछता रहूंगा और आपको असलियत बताता रहूंगा। तो ध्यान रखिए, अगली बार जब भी आप भोपाल डीआरएम ऑफिस जाएं या भोपाल रेल मंडल के या किसी भी रेल मंडल के अधिकारियों से मिले, तो ये सवाल जरूर करिएगा कि रेलवे के लिए पीएसआर और टीएसआर जैसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। वहीं अंग्रेजों के समय के बनाए ट्रैक जो हैं वह तो अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं, उनमें पीएसआर जैसी समस्या तो नहीं आ रही। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।